ज़रूर से देखना, अगर वो हमारा टारगेट पूरा हो गया तो डेफिनेटली हम बाइक न्यू प्लान करेंगे। सो हेलो 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 दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका दोस्त अभिनव लोहट स्वागत करता हूँ आपका फिर एक नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे अपनी बाइक का ओनरशिप रिव्यू का। ये खड़ी है हमारी बाइक, देख पा रहे होंगे आप। तो सुबह के बज चुके हैं, टाइम क्या हो गया, 5:58। मेहनत जारी है, सुबह के 5:58 चल रहे हैं, बज रहे हैं गाइस। तो आज हम अपनी बाइक का करेंगे ओनरशिप रिव्यू। मैंने कुछ पेपर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उन पॉइंट्स को मैं अच्छी तरह डिस्क्राइब करूँगा। 15,000 किलोमीटर का अच्छी तरह ओनरशिप रिव्यू देऊँगा इसका, बहुत अमेजिंग वीडियो आने वाली है गाइस, तो स्टे ट्यून। तो बिना टाइम गवाए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो कि हमारा है पहला पॉइंट, इंजन स्पेसिफिकेशन। तो इस बाइक में इंट्रोड्यूस किया गया है 200cc का DOS लिक्विड कूल FI इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 25 PS तक की पावर एट 10,000 RPM एंड 19.2 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क एट 8,000 RPM। तो इस बाइक में सारी पावर निचोड़ ली जाती है 10,000 RPM तक में ही, और 8,000 RPM तक में इसका सारा टॉर्क यूटिलाइज हो जाता है, जो कि हमको काफ़ी अच्छा फीडबैक मिलता है हाईवेज पर। जब हम इस बाइक पे लगाते हैं अपना खिंचे, आप लोग समझ पा रहे हो। अब लोगों को पता ही है कि अगर KTM इतना इंजन में से पावर निकाल के दे रही है तो इंजन में कुछ तो आएगा ही ना इशू। इसमें एक इशू आता है, ये होने लग जाता है ओवर हीट। तो दोस्तों, इस बाइक को ठंडा रखने के लिए कंपनी ने दिया हुआ है इसमें लिक्विड कूल सिस्टम, जो कि काफ़ी अच्छा वर्क करता है। और इस न्यू शेप RC में, जो कि आप देख पा रहे हो, तो इस न्यू शेप RC में इंट्रोड्यूस किया गया हुआ है न्यू कर्व रेडिएटर। ये रेडिएटर की शेप आप लोग देख पा रहे हो, ये सारा कर्व है, ये यहाँ से शुरू होता है, ये घूमता हुआ दूसरी साइड से आगे की तरफ होता है, जो कि बाइक के इंजन को ठंडा रखने में काफ़ी हद तक मदद रखता है। इस रेडिएटर में 2 फैन का सेटअप है गाइस। एक फ़ैन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक फ़ैन ये रहा और दूसरी साइड का हो, दूसरा फ़ैन कहाँ गया गाइस अपना? तो बता देता हूँ गाइस मैं आप लोगों को कि इस बाइक में 2 फैन का सेटअप तो आता है, बट वो आता है सिर्फ RC 390 में। तो इस बाइक में अगर हम चाहें तो दूसरा फ़ैन भी लगवा सकते हैं, यहाँ पे माउंटिंग्स वगैरह दी हुई हैं, एक ये रही एक ये रही, इस माउंटिंग पे ये दूसरा फ़ैन का सेटअप लगेगा, ठीक है। तो अब इसकी बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा सस्पेंशन को लेके। तो अब हम इसकी सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। आप लोगों को तो जैसे पता ही है कि कंपनी इस बाइक में के, या फिर कह लो कि KTM की हर बाइक में सिर्फ एक ही कंपनी का सस्पेंशन यूज़ करती है, और वो है WP के सस्पेंशन का। बट इस वाले मॉडल में, जो ये पर्टिकुलर मॉडल आया हुआ है, यानी न्यू शेप या RC, इसमें कंपनी ने यूज़ किया है WP के एपेक्स 43mm के अपसाइड डाउन सस्पेंशन, जो कि आप लोग ये देख पा रहे होंगे, हैंडल घुमा लेते हैं, ये देखो WP के 43mm के ये सस्पेंशन है, इनका नाम है एपेक्स। मुझे सबसे बुरी इन सस्पेंशन की एक ही बात लगी है कि ये यार इतना खर्चा करने के बावजूद भी इसमें एडजस्टेबल सस्पेंशन नहीं है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं इसके मोनो सस्पेंशन की, जो कि है WP की तरफ से ही ये सस्पेंशन भी। इस सस्पेंशन की खासियत है गाइस, ये 10-स्टेप एडजस्टेबिलिटी के साथ आता है। आप चाहो तो इसको अप कर सकते हो, चाहो तो डाउन कर सकते हो। अगर आप जितना सस्पेंशन को अप करते जाओगे तो ये सस्पेंशन उतना ही ज़्यादा स्टिफ होता जाएगा, और जितना ही डाउन करोगे एज ए लाइक ये सोफ़ा बनता जाएगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होएगा, कंफर्टेबल होएगा। इन सस्पेंशन का बहुत फ़ायदा हुआ था गाइज मुझे जब मैं गया था स्पीति ट्रिप पे। अगर मेरे पास उसकी कोई फुटेज वगैरह हो, कोई या फिर वीडियो हो, फुटेज हो, फोटो हो, कुछ भी होगा अगर मेरे पास इस टाइम पुराना उसका, तो मैं डेफिनेटली यहाँ स्क्रीन पर लगा दूंगा कहीं ना कहीं, तो आप देख सकते हो।
सीरियसली गाइस, मैंने इसको सस्पेंशन को थोड़ा सॉफ्टर साइड रख के गया था जब मैं स्पीति ट्रिप के लिए निकला था, और इवन इसके जो हैंडल बार्स हैं उनको मैंने डाउन की तरफ रखा हुआ था, उनको मैंने डाउन किया हुआ था। इनको हम 10 mm तक डाउन कर सकते हैं हैंडल बार्स को, तो जो कि मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा था कि मैं जैसे चाहूँ तो वैसे राइड कर सकता था इस बाइक पे, और जैसे चाहिए वैसे ही राइड करी, स्पीति ट्रिप किया तुम्हारे भाई ने इस बाइक के ऊपर। अब इसके हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। तो गाइस, इसका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसके फ्यूल टैंक को लेकर। तो ये है इसका फ्यूल टैंक, सिर्फ ये एरिया है, आप देख ही पा रहे होगे, छोटा सा ही फ्यूल टैंक है। इसका साइज़ है 13.7 लीटर का, और आप लोग सोच रहे होगे ये फ्यूल टैंक यहाँ से लेके ये यहाँ तक है। नहीं, ये फ्यूल टैंक सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक है, और यहाँ से लेके जितना भी प्लास्टिक का ये पार्ट है ये सारा इसके नीचे आती है। बैटरी का सेटअप है इसके अंदर, और ये है मेटलिक, आवाज़ सुन ही पा रहे हो आप, ये मेटल सिर्फ इतना है। 13.7 लीटर का इसका फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है, जो कि पुराने वाली आरसी से बहुत ज़्यादा बेटर है। पुराने वाली आरसी में ये थी 9.5 लीटर की, आई थिंक 9.5 लीटर की इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी थी, पर इस वाली में थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी कर दी गई है। थोड़ी ज़्यादा नहीं, पुराने वाली से तो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी दे दी गई है। हाँ, बट एक चीज़ का मेरे को थोड़ा सा है कि भाई हम जैसे लोग यार ठीक है राइड मारते हैं, अच्छी खासी राइड मारते हैं, ठीक है, इसकी इवन एवरेज फ्यूल कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है, ये बहुत कम तेल खाती है, मेरा खून कम पीती है, अच्छा खासा रखती है, हाँ लंबी लंबी राइड्स पे ले ही जाती है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि इस बाइक में मेरे को क्या मतलब हम सब कोई तकरीबन 15 लीटर तक का फ्यूल टैंक मिल जाना चाहिए। ठीक है एवरेज अच्छी है, बट 15 लीटर तक का होना चाहिए यार। बार बार आप लोगों को पता ही है कि रुका नहीं जाता फ्यूल स्टेशन पे कि हाँ भाई बार बार हम रुके हैं इसमें फ्यूल डलवाएं। बट जब मैं स्पीति ट्रिप मार के आया था उस टाइम मेरे तकरीबन इसके 4 टैंक लगे थे फ्यूल के, और जिसमें कि कोई भी टैंक ऐसा नहीं था कि भाई पूरा खाली हो, निचुड़ गया हो, नहीं, थोड़ा बहुत होता था। इसमें 2 बार लास्ट के रह ही जाते थे, 2 या 3 बार भी रहे हैं, पर इसमें जितनी बार भी मैंने फ्यूल वगैरह डलवाया वो सिर्फ 800 रुपये का डलवाया, चारों बारी में 800 रुपये का डला है, इससे ज़्यादा नीड नहीं थी। ऊपर तक ये फुल हो जाया करती थी, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं है। बाकी नो डाउट बाइक अच्छी है। तो अब इसकी बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो हमने बात करी इसके सस्पेंशन की, राइट, हमने इसकी बात कर ली फ्यूल टैंक की, राइट, हमने इसकी रेडिएटर की बात कर ली है, इसके इंजन तक की बात कर ली है। तो ये भाई साहब ये सब चीज़ें भी तो किसी चीज़ पे टिकी होंगी, सही बात है ना। तो हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। इसका नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेम, तो आप लोग ये फ्रेम देख ही पा रहे होंगे इसका। हाँ, तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये इसके फ्रेम के बारे में। ये फ्रेम ट्यूबुलर फ्रेम कहलाते हैं, पर कंपनी ने इसको नाम दिया हुआ है स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम बोला हुआ है कंपनी ने इसका नाम दिया हुआ है इवन। और आप लोग ये देख पा रहे होंगे भाई ये फ्रेम मेरा ब्लैक कलर का है और ये वाला फ्रेम मेरा ऑरेंज कलर का है। बेसिकली ये है ये वाला फ्रेम बोल्ट ऑन सब फ्रेम कहलाता है। ये सिर्फ इन बोल्ट्स के सहारे, एक ये बोल्ट और दूसरी साइड एक ये बोल्ट और एक ये बोल्ट, इस कवर के पीछे बोल्ट है यार, तो इन दो बोल्ट्स के सहारे पर ये टिकी हुई है। मान लो इन केस ऑफ एक्सीडेंट, जो कि हम चाहेंगे कि कभी ना हो किसी का भी, तो बट ये पहले वाली के टीम में क्या था कि भाई ये सारा फ्रेम सिंगल फ्रेम आया करता था, तो मान लो पीछे से किसी का एक्सीडेंट हो जाया करता था ना, तो ये सारा का सारा फ्रेम बदलना पड़ता था। तो अब कंपनी ने जैसे जब से ये बोल्ट ऑन सब फ्रेम हमको इंट्रोड्यूस किया गया है, तो तब से अगर मान लो कोई भी हिट करता है या फ्रेम बैंड हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो हमको सिर्फ ये बोल्ट खोलने हैं और निकालना है और नया फ्रेम चढ़ाना है बस। मुझे लगता है फ्रेम को लेके इतनी बातें सही रहेंगी, इससे ज़्यादा तो अब क्या ही बातें करें फ्रेम को, है ना। तो आ जाए नेक्स्ट पॉइंट पे। तो दोस्तों अब इसका नेक्स्ट पॉइंट के हम बारे में बात कर लेते हैं, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसकी, ये चेक कीजिए, ये देख पा रहे हो कितना बड़ा रोटर है इस बाइक का। इसकी ब्रेकिंग के बारे में बात करते हैं गाइस। हम सीरियसली गाइस एक बात बताऊँ, और KTM से अच्छी ब्रेकिंग,
इस सेगमेंट में सीरियसली बताऊँ किसी बाइक में नहीं है। सीरियसली गाइस चुम्मा है, चुम्मा ब्रेकिंग है यार इस बाइक की, चुम्मा ब्रेकिंग है यार। देखो आप एक बार, पर इसका रोटर का साइज देखो। इसके फ्रंट में आप लोग जैसे कि देख पा रहे होंगे, इसमें हमको मिल जाता है ये 320 mm की मैसिव डिस्क। कितनी ही बड़ी डिस्क है आप लोगों को देख ही पा रहे हो, जो कि ये रेडियल माउंटेड कैलिपर के साथ देखने को मिलती है। ये सारी ये रेडियल कैलिपर है गाइस। और वैसे ही हम पीछे आ जाते हैं, बाइक माफ़ करना यार, बाइक थोड़ी गंदी है। तो इसमें हमको रियर में मिल जाती है 320 mm की फ्लोटिंग डिस्क है ये। ये अगर हम मान लो यहाँ से इसका नट वगैरह खोलते हैं, अपना एक्सल वगैरह निकालते हैं बाइक का, तो एज इट इज़ हम इस पूरी को व्हील को निकाला और एज इट इज़ डाल दिया। इसको खोलने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है अब, क्योंकि डिस्क इसके व्हील के साथ अच्छी तरह अटैच है। और ये अपनी आ गई है ABS की प्लेट। ये 320 mm की डिस्क है यार, ये सही बताऊँ ये फ्लोटिंग है, ठीक है, मुझे खास ज़्यादा पसंद नहीं। ये रिस्पॉन्सिव इतनी अच्छी नहीं है जितनी फ्रंट वाली है। जो इसकी फ्रंट वाली ब्रेक का फीडबैक है सीरियसली गाइस बहुत ज़्यादा ओसम है, इसमें बहुत ज़्यादा ओसम है। पुराने वाली बाइक से तो ये काफ़ी हद तक लाइट कर दी गई है, कुछ किलोज में रिडक्शन आई है इसकी, कुछ एक या डेढ़ किलो की रिडक्शन है, हाँ इतनी आई होगी, एक या डेढ़ किलो की रिडक्शन आई हुई है इस डिस्क प्लेट से। पर जो कि इसकी बाइटिंग पावर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है, जितना हो सके उतना ज़्यादा इस बाइक। वैसे भी यार इन बाइक्स में स्पोर्ट सेगमेंट के बाइक में कौन पिछली ब्रेक ज़्यादा यूज़ करता है, बट ये है कि हाँ यूज़ तो फिर भी करनी पड़ी जाती है, बट ये है कि हाँ तकरीबन इसको लेके चलते हैं हम 80-20 रेशियो में, 80% फ्रंट ब्रेक यूज़ होती है, 20% रियर ब्रेक यूज़ होती है इसमें। चलो अब ब्रेकिंग की बात हो गई है तो आ जाते हैं अब इसके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो आ जाते हैं हम अब इस बाइक की देख लीजिए ग्राउंड क्लियरेंस के ऊपर। ये देख लीजिए, ये इसकी 156 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। मेरा हाथ ऐसे लगाता हूँ, हाँ अब देख पा रहे होंगे, ये देखो मेरा हाथ इस तरीके से आ रहा है, मतलब इतनी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। देखिए भैया जी भी आ गए देखने के लिए, वीडियो का शूट हमारा। तो इसमें 156 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि मेरे हिसाब से कोई कम नहीं है, बहुत अच्छी है। स्पीड ब्रेकर वगैरह, टोल स्पीड ब्रेकर, शॉर्ट स्पीड ब्रेकर हो, सब पे बहुत अच्छे से निकल जाती है। बट ये है कि पिलियन के साथ अगर आप लोग इस बाइक का सस्पेंशन सॉफ्ट करके चलते हो तो ये बाइक काफ़ी ज़्यादा बाउंसी हो जाती है, जिसके कारण ना शोकर इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं कि भाई स्पीड ब्रेकर पर हमारी बाइक नीचे लग जाती है। और इवन जबकि हमने एग्जॉस्ट लगाया हो तो इसका क्लैंप भी एक बार लगा हुआ नीचे की। आप लोगों ने अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो, जिसमें हम दो जने एक ही बाइक पर राइड कर रहे हैं, वो ऊपर कार्ट में लिंक आ रहा होगा उसका, वो जाके देख लेना, ठीक है। तो पर मेरे को ये इशू लगता है, पर उससे के कारण ना मेरी बाइक को ये थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ा था। देख रहे हो इसके नंबर प्लेट अंदर की तरफ बेंड हो गई थी, मैं यहाँ साइड में फ़ोटो लगा दूंगा, आप देख लेना ये सारी की सारी अंदर की तरफ मुड़ गई थी। राइडर का जब वेट पड़ा था ना इस पर, तो बम्प्स आते सारी ये प्लेट ये जितना हो सके कंप्रेस हुआ, टायर पे लगा, ये प्लेट अंदर की तरफ ही मुड़ गई थी। बाकी अब हम बात कर लेते हैं इसकी सैडल हाइट के बारे में। सैडल हाइट यानी इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी सीट हाइट के बारे में। इसकी सैडल हाइट है गाइस 835 mm, जो कि कम नहीं है यार। ये वैसे सही बताऊँ तो दोस्तों 835 mm बहुत ज़्यादा हो जाता है एक राइडर के लिए चलाने, इसके लिए हमको तकरीबन की रिक्वायरमेंट रहती है। हमने इसके इंजन को लेके बात करी, सस्पेंशन को लेके बात कर ली है, फ्यूल टैंक को लेके बात कर ली है, फ्रेम को लेके बात कर ली है, इसकी सैडल हाइट को लेके बात कर ली है। अब हम इसकी सिंपल सी मेन चीज़, सबसे मेन चीज़ जो कि कई राइडर्स के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब मोस्टली राइडर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो है इस बाइक की वेट। इस बाइक में सिर्फ 160 kg का वेट है गाइस, 160 kg का, वो भी अगर इसका फ्यूल टैंक फुल हो तो। अदरवाइज़ अगर फ्यूल टैंक हाफ भी है ना, तब भी तो लेके चलो तकरीबन 5-5.5 kg के करीब, तो वैसे ही रिडक्शन हो जाएगा। तो जब इसके बाइक के अंदर सारे ऑयल्स होते हैं तो
उस चीज़ को कहते हैं कर्व वेट, जिसमें सारे इसके लिक्विड्स के साथ इसका वेट मापा जाता है। तो उसमें भी ये सिर्फ 160 kgs की है, जो कि बहुत कम है मेरे हिसाब से। इसको मैन्यूवर करना, सिटी में भी मैन्यूवर करना और कहीं भी लेके जाना, मतलब बहुत रिलायबल मशीन है यार ये। मेरे को 1.5 साल के करीब हो गए इस बाइक को ऑन करते हुए, तो 15,000 किलोमीटर मैंने इसके क्लॉक कर लिए हैं। इसका ओनरशिप रिव्यू मैंने आपको अब दे ही दिया। अब हम इसके बारे में कर लेते हैं इसके थोड़े, ये देख लीजिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में इसके बात कर लेते हैं। हाँ ये देखो, अगर मैं यहाँ से किल स्विच ऑन करूँ ना, तब इसके मैं कुछ फीचर्स को, मान लो बटन्स वगैरह का यूज़ करके, कुछ नहीं इसमें देख पाऊँगा। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये साइड स्टैंड। अब जैसे मैंने ये साइड स्टैंड हटाया, हमको मिल गया अभी यहाँ का पूरा एक्सेस बाइक का। अब मैं इसमें देख सकता हूँ कुछ भी। ये देख लीजिए, मेरी ट्रिप 1 में चला हुआ 212 किलोमीटर, जो कि मैंने अभी लास्ट राइड करी है, और ट्रिप 2 में चली है 497.7 किलोमीटर, यानी तकरीबन 500 किलोमीटर के करीब चलने वाली है 2.5 किलोमीटर बाद, 2.5 से भी कम है वैसे तो। और ये हमारा ABS ऑन है इस टाइम, तो हम इसका ABS गाइस ऑफ कर सकते हैं। इसके में सिर्फ हमको एक ही चीज़ मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे सुपर मोटो मोड दिया जाता है। आप लोग नेट पे भी चाहे सर्च कर सकते हैं इसको। इसके सुपर मोटो मोड में मिल जाता है हमको सिर्फ क्या, रियर ABS ऑफ होता है इसका। ये इसमें रियर ABS ऑफ होता है, जिसमें हम जहाँ बढ़िया कि स्केट वगैरह मारने हो या थोड़ी बहुत ड्रिफ्ट वगैरह करनी हो, उस चीज़ के लिए अच्छा होता है सुपर मोटो। बाकी ज़्यादातर सड़कों वगैरह पर ABS ऑन करके चलाना चाहिए ना। बट ये है कि हाँ, इसके ABS यार काफ़ी ज़्यादा इंट्रूसिव है, हल्की सी ब्रेकिंग पे भी ना काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करता है, तो मुझे खास ज़्यादा पसंद नहीं आया इसका ये सिस्टम तो। बट मेरे को फिर भी ABS पे रखना ही पड़ता है, क्योंकि कभी भी कोई भी बाइक मांग लेता है तो मैं भूल जाता हूँ कि ABS ऑन है या ऑफ। तो हटाओ और ये देख लो कितनी एवरेज दे रही है हमारी बाइक, 40 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे रही है इस टाइम ऑन मीटर। बट मुझे लगता नहीं है गाइस इतनी जा रही है। फ्यूल रेंज दिखा रखी है 460 किलोमीटर, फ्यूल टैंक फुल है अपना इसलिए। और ट्रिप टाइम 204 मिनट चलाई है मैंने लास्ट आई थिंक। और ये हमारी एवरेज स्पीड है 62 किलोमीटर पर आवर। मुझे नहीं लगता यार ये इसकी इन्फॉर्मेशन सही है, क्योंकि लास्ट वीडियो आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो आई कार्ड में ऊपर लिंक आ रहा होगा इधर उधर कहीं ना कहीं, तो उसमें देखना कि भाई मैंने बाइक को यार कितने दबा दब खींचे मारे हैं, तो 62 किलोमीटर में एवरेज स्पीड कैसे चला रहा हूँ, बहुत खींचे मारे हैं यार मैंने। तो ये लास्ट ट्रिप का था वैसे भी, क्योंकि मैंने रीसेट कर दिया था ना उस टाइम पे 210 किलो, जो भी आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है ना, ये 212 किलोमीटर का, ये इसी चक्कर में है कि। तो अब जैसे पूरा अपनी R15 आ गया, R15 में हमको देखने को मिल जाता क्विक शिफ्टर, तो मेरे को भी चाहिए था कि भाई हाँ KTM यार इस बाइक में भी क्विक शिफ्टर दे 200 के सेगमेंट में। चलो 390 के सेगमेंट में है क्विक शिफ्टर वगैरह तो, बट हमको इस सेगमेंट में भी देखने को मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया। क्यों? क्योंकि यामा भी दे रहा है हमको R15 में, बट चलो ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में हमको हर चीज़ें मिले, कुछ चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह भी हमको करना पड़ जाता है, तो हम कर रहे हैं भाई। बाकी आप लोग सपोर्ट दिखाओ यार, अब हम प्लान कर तो रहे हैं एक बाइक का, प्लान पे हमने टारगेट रखा हुआ है। अगर आप लोगों ने वो टारगेट पूरा कर दिया, समझ रहे हो ना, अगर वो टारगेट पूरा कर दिया तो हम डेफिनेटली वो बाइक ले लेंगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी मेरे टारगेट वाली, क्योंकि इसके बाद मैं उस बारे में अभी जल्दी सी आने वाली किसी भी वीडियो में बात नहीं करूँगा, उसका भी रीज़न्स है यार। बार बार एक वीडियो पे या एक ही बात पे बार बार बात करके मेरे को मज़ा नहीं आता, ठीक है। अलग अलग वीडियो बना रहे तो अलग अलग टॉपिक पे ज़्यादातर बात रहनी चाहिए। अगर उस वीडियो का लिंक चाहिए तो ऊपर कार्ट में आ रहा होगा, जाके देख लेना, ज़रूर से देखना। अगर वो हमारा टारगेट पूरा हो गया तो डेफिनेटली हम बाइक न्यू प्लान करेंगे। तो हम आ गए हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे इस बाइक के बारे में, तो वो लोगों को, आप लोगों को मैंने डिस्क्राइब कर दिया। इस ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई जहाँ तक मुझे लगता है, तो सो प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ। वीडियो लाइक नहीं करते वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, अदरवाइज इन फ्यूचर आपके पास मेरी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगी।